जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आरपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड हैं और अति महत्वपूर्ण हैं। तो कुछ ऐसे ही सवालों का हमने पिछले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में डिस्कस किया था, और आप लोगों के फीडबैक के माध्यम से हमें पता लग रहा है, जैसा कि आप लोग फीडबैक दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके लिए वीडियो मददगार साबित हो रहे हैं। और आई होप ये वीडियो भी आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। अगर ऐसा होता तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करते हैं, और अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज आपको क्रिएट होता है तो अपना फीडबैक देना ना भूलें। साथ ही मैंने पिछली बार बताया था आपको, एक ईमेल आईडी मैंने प्रोवाइड करवाई थी, सो दैट आप अगर अपने ट्रिक्स या कुछ स्पेशल मेथड आप शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है emerging.star11@gmail.com। इस पर आप और जल्दी हम लोग व्हाट्सएप नंबर भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, सो दैट आप लोग इजी वे से कन्वर्स भी कर सके व्हाट्सएप के माध्यम से भी। सो शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। हमारा पहला सवाल है पाथल और पीथल। सवाल फिर से सुन लीजिएगा, पाथल और पीथल के रचनाकार कौन है, यह हमारा सवाल है। ठीक है, तो पाथल और पीथल के जो रचनाकार है उनके बारे में हमें बताना है। तो इसके जो रचनाकार है वो कौन है, कन्हैया लाल सेठिया। कौन है, कन्हैया लाल सेठिया। टू बी क्लियर गाइस, तो पाथल और पीतल के रचनाकार कौन है, कन्हैया लाल सेठिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखिएगा, अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, तो है राजस्थान में कितने चिड़ियाघर हैं, राजस्थान में कितने चिड़ियाघर हैं। यह हमारा नेक्स्ट सवाल है, क्या चिड़ियाघर को लेकर के, और चिड़ियाघर किसको लेकर के, राजस्थान में, कि राजस्थान में कितने चिड़ियाघर हैं। तो इस बारे में डिस्कस किया जाए, अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूं 3, 5, 9, 11, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 5। राजस्थान में कितने चिड़ियाघर हैं, 5 चिड़ियाघर हैं। अगर चिड़ियाघर के बारे में नाम पूछ लिया जाए तो देखो, एक तो हम लोग बात करें जयपुर में, जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी, तो एक तो है जयपुर में है, और ये जो है राजस्थान में देश का सबसे प्राचीन जंतुआलय माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो जयपुर का जो चिड़ियाघर बना हुआ है, यानी कि जो है, तो ये राजस्थान में देश का सबसे प्राचीन जंतुआलय है। ठीक है, फिर इसके अलावा बात करें तो जोधपुर, जोधपुर पहले, जयपुर, जयपुर, जोधपुर। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें तो बीकानेर में भी है, और बीकानेर के अलावा हम लोग बात करें तो उदयपुर, और कोटा में, और एक कहां पर है, कोटा में। तो गाइस एक बार फिर से ध्यान देने वाली बात है जो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, हमारा सवाल है राजस्थान में कितने चिड़ियाघर हैं, तो राजस्थान में चिड़ियाघर 5 है। अगर सवाल ये पूछ लिया जाए लोकेशन को लेकर, कौन कौन सी लोकेशन में है, तो राजस्थान में एक तो जयपुर में है, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, राइट, फिर बीकानेर, उदयपुर, और एक कोटा। और जो कोटा का जो चिड़ियाघर है वो सबसे नवीन जंतुवाला है, क्या है, सबसे नवीन, और जयपुर का सबसे प्राचीन। तो सबसे प्राचीन जयपुर का, और सबसे नवीन जो राजस्थान की बात करें तो कोटा का जो चिड़ियाघर है वो नवीनतम माना जाता है। टू बी क्लियर गाइस, उदयपुर में गुलाब बाग। अब आगे अगला जो हमारा सवाल है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला सवाल हमने किया था पाथल और पीथल के रचनाकार, तो कन्हैयालाल सेठिया। दूसरा सवाल राजस्थान में कितने चिड़ियाघर को लेकर के किया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है थार का घड़ा। थार का घड़ा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, यह है हमारा अगला सवाल। किसके बारे में डिस्कस करें, थार का घड़ा। तो थार का घड़ा किसे कहा जाता है, तो थार का घड़ा किसको कहा जाता है, चांदन नलकूप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चांदन नलकूप। तो भी क्लियर, तो थार का घड़ा चांदन नलकूप को कहा जाता है। आप देखिएगा ये क्या है,
क्यों कहा जाता है इसकी ध्यान रखिएगा। इसमें देखिएगा कम गहराई पर मीठे पानी की उपलब्धता के कारण कहा जाता है। क्या? कम गहराई पर मीठे पानी की उपलब्धता को लेकर। अगर कारण पूछ लिया जाए बाई चांस आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है, ये तो हमारा सीधा सवाल हो गया कि थार का गढ़ा किसे कहा जाता है, ये तो हमारा सीधा सवाल हो गया। इसी सवाल में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्यों कहा जाता है चांदा नलकूप को थार का गढ़ा, तो कम गहराई पर मीठा पानी जी उपलब्धता, यानी कि मीठा पानी जो कम गहराई पर उपलब्ध है, इस वजह से चांदा नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। टू बी क्लियर। अब ये है कहां, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है वो कहां पर है, जैसलमेर। जैसलमेर जो है तो जैसलमेर के पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है, पूर्व दिशा में स्थित है, और वो कौन सा गांव है, चांदन गांव। कौन सा गांव है, चांदन गांव। टू बी क्लियर। तो गांव का नाम भी हमें याद हो गया, चांदन गांव। कहां पर है, जैसलमेर में, और इसको क्या कहा जाता है, चांदन नलकूप को थार का गढ़ा, और कारण भी हमारे पास में है कि कम गहराई पर मीठे पानी की उपलब्धता के कारण। टू बी क्लियर गाइस। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा असुमेलित युग्म को छांटिए, अर्थात हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं यहां पर चार, और हमें क्या करना है इसमें, बेमेल अर्थात जो सुमेलित नहीं हो रहा अर्थात असुमेलित है उसे हमें टिक लगाना है। अब देखिएगा हमारे पास ऑप्शन है तराइन का प्रथम युद्ध, इसके आगे 1192 लिखा हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 लिखा हुआ है, खानवा का युद्ध 1527, प्लासी का युद्ध 1757 लिखा हुआ है इसके सामने। अब इसका आंसर तब दे पाएंगे जब हमें पता होगा कि भाई तराइन का प्रथम कब हुआ था, पानीपत का प्रथम कब, खानवा का कब, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो गाइस इसमें सिंपल सी बात है, देखिएगा तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो यहां पर असुमेलित नजर आ रहा है, क्योंकि कब हुआ था, 1191 में हुआ था। कब हुआ था, 1191 में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, फर्स्ट। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था तराइन का, 1191 में हुआ था, और यह हुआ था हरियाणा में थानेश्वर के पास इस जगह का अब जगह है, ठीक है, और ये कहां पर है, हरियाणा, ठीक है। अगर इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में, तो ये जो हमारी डेट है ये क्या होगी, गलत है। तो यहां पे क्या आएगा, 1191, राइट, और कहां पर है, थानेश्वर के पास हरियाणा में हुआ था। टू बी क्लियर गाइस। और इस ये किस किस के बीच में हुआ था ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान कौन सा था, तृतीय। कई बार कंफ्यूज कर देता है यही सवाल आपको एग्जाम में, कि दे देता है पृथ्वीराज द्वितीय तृतीय इस तरह से सवाल देता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पृथ्वीराज चौहान तो आपको याद रहता है मगर ये द्वितीय तृतीय के कंफ्यूज के चक्कर में फिर आपके माइंड अपसेट हो जाता है। तो पूरा याद कीजिएगा किस किसके बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी, और कौन था, मोहम्मद गोरी, ठीक है। और इसमें विजय किसकी हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। किसकी विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में, ठीक है। और दूसरा जो युद्ध था वो कब हुआ था, 1192 में, द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में हुआ था। अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं इसी की डिटेल, तो ये 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा तराइन का द्वितीय, ठीक है। आप प्रथम भी किसके बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी, और द्वितीय भी किसके बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गोरी। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजयी रहा, और द्वितीय युद्ध की बात करें तो मोहम्मद गोरी जो था वो विजयी रहा। टू बी क्लियर। और ये जो फिर इसके बाद में अगला हमारा पॉइंट है पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ, 1526 में, क्योंकि डेट तो सही है, क्योंकि असुमेलित तो कौन सा था, ये वाला निकला, इसलिए इनकी डेट तो बिल्कुल राइट है। टू बी क्लियर। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें किस किस के मध्य हुआ, तो ये हुआ था बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच, किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी, और इसमें विजय किसकी हुई, बाबर की हुई। और ये जो डेट मानी जाती है वो मानी जाती है 21 अप्रैल 1526 मानी जाती है, ठीक है। तो किस किस के मध्य हुआ, बाबर और लोदी वंश। बाबर कौन था, मुगल साम्राज्य किस का जो संस्थापक कौन माना जाता है, बाबर माना जाता है, और लोदी वंश का जो शासक था, इनकी लोदी वंश से संबंध रखता था कौन, इब्राहिम लोदी। टू बी क्लियर। तो अब यहां पर ये युद्ध 1526 का किसके बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी। टू बी क्लियर।
और बाबर कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, टू बी क्लियर। उसके बाद पानीपत का के तीन युद्ध हुए थे, तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो माना जाता है 1556 का, माना जाता है 1556 माना जाता है, ठीक है। और ये जो था ये 1556 में, और जो तीसरा एक और युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में, तो ये भी दोनों भी याद रखना, 1556 में द्वितीय और तीसरा 1761 में। तृतीय जो युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली व मराठो के बीच में हुआ था, टू बी क्लियर। अब बात करते हैं हमारे खानवा का युद्ध का, तो खानवा की युद्ध 1526 के जस्ट बाद में 1527 दे रखा है, ठीक है। इसकी डेट मानी जाती है 17 मार्च, 17 मार्च 1527 मानी जाती है इसकी डेट जो है खानवा के युद्ध की, टू बी क्लियर गाइस। तो ये जो खानवा का युद्ध था ये भरतपुर में बयाना के पास रूपवास में हुआ था, कहां? भरतपुर के पास, भरतपुर के पास, और भरतपुर के पास भी कहां? बयाना, भरतपुर में बयाना, और बयाना जो था, बयाना जगह का नाम है, ठीक है। तो ये कहां पर है? भरतपुर में, कहां पर है? भरतपुर में, तो ये भरतपुर में बयाना नाम की जगह है, और बयाना के पास कौन है? बयाना के पास रूपवास है, कौन सी जगह है? रूपवास। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां भरतपुर में बयाना के पास रूपवास में हुआ, ठीक है। 17 मार्च 1527 इसकी डेट मानी जाती है, टू बी क्लियर। और इस ये जो युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट था, तो किस किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा, किस किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, टू बी क्लियर। और ठीक है, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, टू बी क्लियर गाइस। तो कहने का मतलब हमने एक जो सवाल पढ़ते हैं ना, उस सवाल में 3 4 5 जो क्वेश्चन निकलते हैं उन्हें हाथों हाथ तैयार करते चलो, सो दैट आपका जो कवर अच्छा कवर हो जाएगा, और आपको कहीं भी क्वेश्चन के गलत होने की संभावना ही नहीं रहेगी। जैसे भाई युद्ध किसके बीच हुआ था, कौन विजेता रहा था, कब हुआ था, तो ये सारी डिटेल्स हमारे पास हो जानी चाहिए, ठीक है। अब जैसे पानीपत के तीन युद्ध हुए थे तो तीनों की डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए, टू बी क्लियर गाइस। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर आपके वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अपने अपना बहुमूल्य फीडबैक देना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोज के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।